आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने हैं यूकैरियोट्स कहलाते हैं। सभी सेल्स या तो यूकैरियोटिक होते हैं या प्रोकैरियोटिक होते हैं। आर्चीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी प्रोकैरियोट्स हैं, जबकि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी या अन्य सभी यूकैरियोट्स हैं। तो अगर जेनेटिक मटेरियल या डीएनए एक न्यूक्लियर एनवेलप में बंद हो तो एक डिफिनिट न्यूक्लियस बनता है और वैसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जेनेटिक मटेरियल के चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाया जाता, इस प्रकार डिफिनिट न्यूक्लियस नहीं बनता है और जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। तो न्यूक्लियस जिसके चारों ओर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं पाए जाते उसको एक स्पेशल टर्म न्यूक्लोइड दिया जाता है। न्यूक्लोइड वास्तव में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यह साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला एक स्पेस है जहां जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो इस प्रकार न्यूक्लियस एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स को डिफरेंशिएट करने का। प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता हो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं और यूकैरियोट्स, यू मतलब ट्रू और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता हो यूकैरियोट्स कहलाता है। अर्थ पर सबसे पहले इवॉल्व होने वाला ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स ही है और ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोट्स से ही यूकैरियोट का इवोल्यूशन हुआ है। प्रोकैरियोट्स में जो पाया जाने वाला डीएनए है वो सर्कुलर होता है और विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होता है, लेकिन ऑलवेज एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन। जबकि यूकैरियोट्स में जो डीएनए पाया जाता है वो लीनियर होता है और हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले कहने का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड अन्य माइक्रोबॉडीज जिसमें मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं जबकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सेंट्रियोल भी नहीं पाया जाएगा जबकि यूकैरियोट्स में सेंट्रियोल पाया जाता है। अगर वो एनिमल सेल है तो पाया जाएगा, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। इस प्रकार सेल डिवीजन के समय स्पिंडल का फॉर्मेशन भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होते जबकि यूकैरियोट्स में स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है जबकि प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। और इस प्रकार प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कुछ कॉमन भी है, कॉमन है सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाना, साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाना, डीएनए का दोनों में पाया जाना। तो मेन डिफरेंस इसमें हमें याद रखना है जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इसमें विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होगा और सर्कुलर होगा जबकि उसमें हिस्टोन प्रोटीन के साथ होगा और लीनियर होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं जबकि यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वह एनिमल सेल है तो वैक्यूल्स स्मॉलर होगा, अगर वह प्लांट सेल है तो वैक्यूल्स लार्जर होगा।
सेल डिवीजन, प्रोकैरियोट्स में सेल डिवीजन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोट्स में सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है। और इस प्रकार आज हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस का स्टडी किया। धन्यवाद।